हेलो फ्रेंड्स, tanuskitchen.com में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए। आज हम बना रहे हैं तिल की बर्फ़ी और आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। फ्रेंड्स, मैंने 200 ग्राम यहाँ पर नॉर्मल गुड़ लिया है, 180 ग्राम मैंने रोस्टेड तिल लिए हैं, 1 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, 1 टेबल स्पून ही मैंने कटिंग किया हुआ पिस्ता लिया है, 1/2 कप मैंने मूंगफली लिया है, इसे सेक लिया है, ये इलायची पाउडर और 2 से 3 मिनट रोस्टेड किया हुआ कोकोनट है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक मिक्सर जार में जो हमारे रोस्टेड तिल हैं इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। इन्हें हमें दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। ये देखिए, ये मेरा तिल का पाउडर तैयार हो गया है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे और वैसे ही अब हम इसमें जो हमारे मूंगफली के दाने हैं जिन्हें मैंने सेक लिया है और फिर पील कर लिया है, और इन्हें भी हम इसी तरह दरदरा मिक्सर से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने ये दोनों पाउडर को ले लिया है एक बाउल में। और अब फ्रेंड, हम एक ग्रीसिंग की हुई प्लेट लेंगे, इसके अंदर हम बर्फ़ी जमाने वाले हैं। आप, मैंने ये ट्रे लिया है, आप किसी भी प्लेट में इसे जमा सकते हैं। और अब हम इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारी बर्फ़ी है वो इजीली इसमें से निकल जाए। और अब हम हमारी रेसिपी बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे जिसके अंदर हमारा जो घी है जो बच गया था, उस घी को थोड़ा सा लेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। ये मेल्ट हो गया है और अब हम इसके अंदर जो हमारा गुड़ है, ये फ्रेंड्स ये नॉर्मल गुड़ लेना है, हमें चिकी वाला गुड़ बिल्कुल नहीं लेना है, अदरवाइज़ हमारी जो बर्फ़ी है वो स्टिकी बनेगी और वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। इसलिए हमेशा बर्फ़ी बनाने के लिए हमेशा हमें नॉर्मल गुड़ की ज़रूरत पड़ती है। और अब हम इसे मेल्ट होने तक हिलाते रहेंगे, इसे हमें छोड़ना नहीं है। ये देखिए, धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और जब तक हमारा गुड़ पूरा मेल्ट नहीं हो जाता हम इसे कंटिन्यू हिलाते रहेंगे, अदरवाइज़ हमारा गुड़ जल सकता है। ये देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो रहा है। ये देखिए, अब हमारा गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो गया है। इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे और ये थोड़ा सा जो ग्रेटेड और रोस्टेड कोकोनट है ये डालेंगे। कोकोनट को रोस्ट करने से बर्फ़ी की लाइफ बढ़ जाती है और कोकोनट की स्मेल भी नहीं आती और ये ज़्यादा दिन तक टिक जाता है। और ये देखिए, अब इसके अंदर हम ये दोनों पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा तिल का और मूंगफली का जो पाउडर था वो हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। जैसे ही हम गुड़ मेल्ट हो जाएगा सबसे पहले गैस बंद करेंगे और फिर हम इन सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए, बस अब हमारी जो ये ट्रे थी जिसके अंदर हमने ग्रीस कर लिया था घी से, उसके अंदर हम हमारी बर्फ़ी को सेट करेंगे। मैंने ये जो स्पून है लकड़ी का, इस पर भी थोड़ा सा घी लगा लिया है ताकि हमारी बर्फ़ी इसमें वापस चिपके ना और अच्छे से सेट हो जाए। इसको हम अच्छे से दबा के सेट कर देंगे। और अब जो हमारा रोस्टेड कोकोनट है इसे हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये दिखने में सुंदर भी लगे, खाने में भी इसका टेस्ट और अच्छे से बढ़ जाए। और इसके ऊपर हम पिस्ता लगाएंगे। और चम्मच से इसे थोड़ा सा दबाते हुए कोकोनट और पिस्ता को इस पर स्प्रेड करेंगे।
प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से इसमें चिपक जाए। और अब हम एक नाइफ लेंगे और नाइफ से हम बर्फ़ी की कटिंग करेंगे ताकि जिस टाइम हम ये बर्फ़ी ठंडी हो जाए तो इजीली ये निकल जाए। फ्रेंड 10 से 15 मिनट के अंदर ही बर्फ़ी ठंडी हो जाती है और आराम से इसमें से बर्फ़ी निकल आती है। ये देखिए मैंने बर्फ़ी निकाल ली है, दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।